ओम नमः शिवाय। स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सच्चे मोती की माला। जी हाँ, आज मैं आपको सच्चे मोती की माला दिखाऊंगा, उसके दर्शन कराऊंगा, उसको क्या क्या फायदा है उसके पहनने के, तो वो आपको दिखाऊंगा बताऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये है मोती की माला, ये है सच्चे मोती की माला, जिसको सच्चा मोती सुच्चा मोती बोलते हैं। 108 दाने की है, इसमें फूल लगा हुआ आप देख रहे होंगे, इसमें सब साइज आते हैं, मैं आपको सब दिखाता हूँ फिर जानकारी दूंगा। ये देखिए, देखिये सच्चे मोती की माला क्या है, जो मोती है वो चंद्र का है होता है, जिसका मतलब जो मतलब जिनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है या फिर कोई परेशान रहते हैं मानसिक तनाव, उनके लिए होता है सच्चे मोती के लिए। ये खासकर महिलाओं के लिए होता है, कोई भी पहन सकता है, महिलाओं के लिए, जेंट्स बच्चे के लिए, लेकिन महिलाओं के लिए लेडीज बताते हैं मोती पहनने के लिए, वो रिंग में पहनते हैं, और जिनको गुस्सा वगैरह बहुत आता है ये उनके लिए होता है सच्चा मोती पहनने के लिए। अब इसको धारण के चंद्रमा का रूप होता है, चंद्रमा देखिए, चंद्रमा भी शांत होता है, ये उसको बलवान बनाने के लिए होता है, और जैसे जो ये चंद्रमा वगैरह करके उसी के लिए होता है चंद्रमा। आप इसको पहन सकते हैं, सोमवार के दिन आपको इसको धारण करना है। 108 दाने की ये माला है सच्चे मोती की, इसमें साइज सब है, छोटे बच्चे भी पहन सकते हैं, बड़े भी, बूढ़े भी, लेडीज भी, कोई भी, ऐसा कोई परहेज नहीं है, ना ही आपको कुछ पूछने की जरूरत है। सोन वगैरह में दो ही ऐसे नग होते हैं, मूंगा और मोती, जिसको आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी भी पहन सकते हैं, मतलब इनमें ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं। देखिए जैसे बताया मैंने, मोती चंद्रमा का होता है, इसको पहनते हैं, इसको पहनने से क्या होगा, गुस्सा वगैरह शांत हो जाता है। जैसे लेडीज भी पहनती है, बच्चे बूढ़े कोई भी पहन सकता है, इसको पहनने से आपका जो मान जो गुस्सा वगैरह आता है वो काफी कंट्रोल होता है, इसलिए इसको पहना जाता है मन को ठंडक शांति दी शांति के लिए। इसकी जो रिंग होती है, वो मोती जो आता है वो चांदी में बना के पहनते हैं, क्योंकि चांदी भी ठंडी होती है, मोती भी ठंडा होता है, तो दोनों मिलके शांत करते हैं जिनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। कुछ लोग होते हैं जो अंगूठी नहीं पहनना चाहते अंगूठी, तो उसके लिए मोती होता है, लॉकेट, इसके बहुत सारे ऑप्शन है पहनने के। ये नहीं कि आप माला ही पहन लें, किसी को माला नहीं पसंद है तो उसके रिंग पहन सकते हैं, रिंग नहीं पसंद है तो लॉकेट पहन सकते हैं। जैसे बहुत सारे छोटे बच्चे हो गए, वो स्कूल वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे अंगूठी वगैरह नहीं, रिंग नहीं पहन सकते, माला, तो वो उनके लिए छोटा सा लॉकेट है, वो लॉकेट बना के पहन सकते हैं। बाकी हम जैसे बड़े हो गए वो क्या नाम है, माला पहन सकते हैं, रिंग पहन सकते हैं, कुछ भी। तो आपको दिखाता हूँ मोती कौन कौन सा साइज है। ये देखिए, ये है 5 mm का, ये मोती की माला 108 दाने की। इसके बाद ये आएगा, ये है 6 mm, ये 5 है, ये 6 mm। सब साइज होती है मोती की माला, कोई भी ले लो, बहुत सारा साइज होता है, कुछ लोग बड़े पहनना पसंद करते हैं, कुछ छोटा, काम सब करेगा। ये नहीं है कि बड़े दाना है तो ज्यादा काम करेगा, काम सब करेगा, ये तो आपने ये पसंद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप छोटा पहनना चाहें तो कैसा। ये देखिए जैसे मैंने बताया, ये है 5 mm, 6 mm, ये हो गई 8 mm। ये देखिए कितनी बड़ी माला है, पूरी 8 mm की है, ये एकदम गोल मोती है बढ़िया दाने का। तो जैसे दिखाया 8 mm, अब मैं दिखाता हूँ 10 mm। ये देखिए कितनी बड़ी माला है, युवराज में बहुत सारे साइज आते हैं, जैसे मैं दिखाया 5, 6, 7, 8, 9, 10 ही होता है। जैसे ये बड़ी वाला है, ये हमारे बहुत बड़ी हो जाएगी, ये साधु महाराज पहनते हैं या फिर जिनको शौक है बड़ी माला पहनने का वो पहन सकते हैं। ये देखिए पूरा गोल मोती है, एकदम फर्स्ट क्लास का माला है, रियल माला है, मुक्ता इसे बोलते हैं। इसके 4 नाम आते हैं, मैं आपको बता दूं, हिंदी में से मोती बोलते हैं सच्चा मोती, इंग्लिश में पर्ल बोलते हैं, ठीक है, 2 हो गए। गुजरात में जाएंगे, गुजरात में इसको चंद्र बोलेंगे, चंद्र की माला। बंगाल में जाएंगे, मुक्ता बोलेंगे। इसके बहुत सारे नाम हैं इसके लिए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा था। ये देखिए जैसे ये हो गए 10 mm, ये 8 mm, ये 6, ये 5, साइज दिख रहा होगा, देखिए छोटा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये और बड़ा, सबसे बड़ा। अब इसमें लेडीज भी होती है, ये जो मैंने दिखाई, ये क्या नाम है, जेंट्स पहनते हैं, लेडीज कुछ पहनती हैं जिनको शौक होता है 108 दाने का, वरना ये सब जेंट्स माला है, लेडीज में होता है। लेडीज में क्या होता है, पेच लगा होता है, अगर लेडीज को जाप नहीं करना है, खाली पहनना है, तो उसके लिए ये आएंगी। ये देखिए पेच लगा होता है लेडीज के लिए, ये सब माला है। इसमें और भी डिजाइन आते हैं, ये लंबे वाले, ये देखिए ये सब लेडीज के लिए, जो मैंने दिखाई जेंट्स के लिए, सब सच्चे मोती की माला है इसमें। ये देखिए रियल में क्या होता है, टेढ़े मेढ़े थोड़ा सा अलग से शेप आती है, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लगेगी, लेकिन प्योर पूरा गोल नहीं हो पाता है, थोड़ा थोड़ा फर्क वगैरह आता है। ये देखिए, तो मैं आपको बता दूं, देखिए रियल मोती सच्चा मोती है, इसकी पहचान क्या होती है, मैंने बताया, ये सब दिखा रहा हूँ जो मैं आपको रियल फर्स्ट क्वालिटी माला है। मोती में क्या होता है, कोई कहीं से भी हम मोती लें, मैं आपको पहचान बता दूं, जैसे कई लोग नहीं पता, इसमें बहुत ज्यादा सुंदर चमक नहीं आएगी। रियल जो मोती होता है बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होता है, नेचुरल होता है, अलग ही पता चल जाता है, उसका वेट ज्यादा होता है। और दूसरा होता है, ये देखिए फर्स्ट क्वालिटी का है, पूरा गोल है, लेकिन ध्यान से देखेंगे बहुत ज्यादा पास से, फिर भी आपको हल्का सा ये
हल्का सा ओवल शेप मिलेगा, मतलब अलग जैसे आलू होता है पूरा गोल नहीं होता, हल्का वैसे टाइप का आता है, ये है सच्चे मोती की पहचान होती है। अगर वो पूरा साफ सुथरा है सुंदर तो वो मोती नहीं होगा, वो छिलके वाला होता है, उसका छिलका उतर जाता है, पर असली मोती नहीं होता। ये सब रियल है, ये देखिए पास से दिखाऊंगा मैं आपको, ये बड़ा है, ये वाला थोड़ा ऐसा हो गया, ये लंबा हो गया, ये ऐसे करके, तो ये सब रियल मोती है। ये देखिए ये लेडीज के लिए हो गया, लेडीज की जो माला होती है मोती की, उनमें 108 दाने गिनती नहीं होती, लेंथ होती है 18 इंची, 20, 22 इंची, 24 इंची, इस हिसाब से। और जो जेंट्स वगैरह पहनते हैं वो 108 दाने होने चाहिए उसमें। अगर आप कोई भी माला लेते हैं उसमें ऐसा फूल लगा होता है, उसमें 108 दाने होते हैं, 109 होते हैं, उसको समीरू होते हैं, गिनते नहीं है। तो ये आप जाप के लिए लेनी है तो आप ये ले सकते हैं, अगर आपको खाली पहननी है तो आप ये वाली ले सकते हैं, और अगर आपको खाली मतलब पहननी जपनी दोनों है तो ये मीडियम साइज ले सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने मोती की, सच्चे मोती की जानकारी आपको दे दी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए ओम नमः।